बावसरी में इसके पत्तों का आप लेप बना के जो बावसरी के घाव होते हैं उन पे आप इसके पत्तों के लेप का इस्तेमाल करें, आपको दर्द में, खुजली में या जो भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रेडनेस होगी उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, कहीं पे सूजन है, सर में दर्द है या बावसरी का दर्द हो, आप सब में इसका लेप बनाकर, इसके पत्तों का आप सिलबट्टे पर लेप बनाकर हर दर्द में आप इसके लेप को लगा सकते हैं, जिससे कि आपके दर्द में और इन्फ्लेमेशन में आपको बहुत आराम मिलेगा। ये है आग का पत्ता। आग के पत्ते हमारे ये पेन में बहुत काम आते हैं। अगर आपके घुटनों में पेन है, अगर टखनों में पेन है, अगर कमर में दर्द है, सियाटिका पेन आप जिसे बोलते हैं, सब लोग जानते हैं, तो ये पत्ता आपको लेना है, इसको अच्छे से धो लेना है और धोने के बाद एक तवा लेना है। तवे को आपको गर्म करके उसमें 3 से 4 चम्मच ऑयल डालना है, सरसों का ऑयल या तिल का तेल, उसको डाल के गर्म करके उसमें थोड़ी अजवाइन डाले, थोड़ा जीरा डाले और थोड़ी सरसों डाले। उसको भूनने के बाद ये पत्ता आप उसके ऊपर रख दे। पत्ता रखने के बाद उसको हटा ले, जब ये थोड़ा निवाया हो जाए उसको हटा के और अपने घुटने पे रख के पट्टी बांध ले। उस पट्टी को आपको 3 से 4 घंटे रखना है और उसके बाद उतार देना है। अर्क का ये पौधा है जो कि आयुर्वेद में सेहत के लिए वरदान का रूप माना गया है। इसके अंदर एंटी इंफ्लेमेटरी, एंटी ऑक्सीडेंट, एंटी बैक्टीरियल जैसे अनेक गुण पाए जाते हैं जो कि सर दर्द, कब्ज, घुटनों का दर्द ऐसी अनेक बीमारियों में फायदेमंद है। तो आज हम बात करते हैं सबसे पहले इसके फायदों के बारे में, तो और उनका इन फायदों को हमें कैसे अपनाना है, कैसे हमको इसका प्रयोग करना है, मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले बात करते हैं सिर दर्द में। अगर आपके सिर में दर्द रहता है तो आपको इसके पत्ते लेने हैं, 3 से 4 पत्ते लेके इसकी चटनी बना के उस चटनी का लेप आपको सर पे लगाना है। आपको बहुत अच्छा रिलीफ मिलेगा बिकॉज ऑफ इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी, जो इसके अंदर गुण है उसकी वजह से। बात करते हैं घुटनों में जो इन्फ्लेमेशन रहती है, सूजन रहती है, उसमें ये काम कैसे करता है। सेम इसका पत्तों की चटनी बनानी है और उसका भी इस्तेमाल घुटनों पे करना है और उसके ऊपर कपड़ा बांधना है। कपड़ा बांध के उसको 3 से 4 घंटे रखना है, जिससे आपको बहुत आराम मिलेगा। अगर आपके कान में दर्द रहता है तो जो इसका शीर निकलता है, जो कि दूध इसका निकलता है हर पत्ते को हटाने से, या फिर देखिए ये जो कैसे निकला है, इस दूध के कुछ ड्रॉप आप कॉटन की सहायता से ऐसे इसमें रुई भिगोनी है और भिगो के कुछ आपको ड्रॉप्स अपने कान में डालने हैं, 1 या 2 ड्रॉप, जिससे आपके कान में अगर दर्द है तो वो बिल्कुल ठीक हो जाएगा। बात करते हैं बावसरी में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, बहुत अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। बावसरी में भी इसके पत्तों का आप लेप बना के जो बावसरी के घाव होते हैं उन पे आप इसके पत्तों के लेप का इस्तेमाल करें, आपको दर्द में, खुजली में या जो भी वहाँ पे इन्फ्लेमेशन रेडनेस होगी उसमें आपको बहुत रिलीफ मिलेगा। बात करते हैं कब्ज में। अगर कब्ज में आपको अर्क का इस्तेमाल करना है तो आप इसके फूल का इस्तेमाल कर सकते हैं और इसके पंसारी से आपको इसके बीज मिल जाएंगे। कुछ बीजों का आप इस्तेमाल करेंगे तो आपके जो पेट में कब्ज रहती है या सूजन रहती है उसमें आपको बहुत आराम मिलेगा। आपके शरीर में कहीं पे भी दर्द है, कहीं पे सूजन है, सर में दर्द है या बावसरी का दर्द हो, आप सब में इसका लेप बनाकर, इसके पत्तों का आप सिलबट्टे पर लेप बनाकर हर दर्द में आप इसके लेप को लगा सकते हैं, जिससे कि आपके दर्द में और इन्फ्लेमेशन में आपको बहुत आराम मिलेगा।